हमने आज जो रणनीति बनाई है उसके तहत हम बलराज कुंडू भाई की प्रत्येक जिले में एक किसान महापंचायत करवाने जा रहे हैं और उस किसान महापंचायत के जरिए सरकार को ये बता देना चाहते हैं, बताएंगे और दिखाएंगे भी कि पूरा किसान वर्ग किसान बलराज कुंडू के साथ खड़ा है और उसने बलराज कुंडू को छेड़कर एक बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है सरकार ने और इसका दुष्परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। कब से शुरुआत होने जा रही है? परसों 4 तारीख से, जो 4 तारीख 4 है 4 मार्च है, उसमें हम सबसे पहले मैं आमंत्रित करने आया हूँ। हम जींद में बलराज कुंडू भाई का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कैथल में बलराज कुंडू भाई का प्रोग्राम होगा, करनाल और कुरुक्षेत्र में होगा और पूरे हरियाणा में हम बलराज कुंडू भाई को लेकर जाएंगे और स्पष्ट दिखाएंगे कि हरियाणा का बच्चा अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ है। क्या फैसला लिया गया? आज फैसला यही लिया गया जो 4-5 दिन पहले बलराज कुंडू पर जो छापे गिरे गए हैं, ये बिल्कुल जो है ना सरकार की सोची समझी और एक तानाशाही रवैये की वजह से गिरे गए हैं, क्योंकि वो हमारे जो किसान आंदोलन जो चल रहे हैं, जो बिल्कुल सरकार के जो खिलाफ चल रहे हैं, और बलराज कुंडू किसान आंदोलन का तनमन धन से इसका समर्थन कर रहा था, पूरा अपना लंगर लगा रहा है और जैसे भी है हर मामले मतलब संघर्ष कर रहा था, सहयोग कर रहा था, उसको तोड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए जो है ना उस सरकार ने जो ये षड्यंत्र रचा है और उस षड्यंत्र के तहत जो है ना बलराज कुंडू पे छापे गिरे गए हैं और उसके एवज में ही उसके समर्थन में आज हम ये जो पंचायत कर रहे हैं और इसका निर्णय जो है ना ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है और हम जो है ना आनंद जो टाइम आएगा कोई हम अपना काम करें। तो क्या लगता है कि सरकार दबाव बना पाएगी? जो भी बना पाएंगे हम अपना काम पूरा करेंगे, बाकी का दबाव बनाएंगे अब नहीं, फिर टाइम पे इसका जवाब तो देंगे। ऐसे सरकार ना समझो, चाहे जिस आदमी को जो चाहे सरकार वही कर ले, आज तक पहले कभी ना गिरे छापे, आज बड़े एकदम से गिरने पड़ गए, तो जो भी तानाशाही रवैया जो सरकार अपनाई है इसका बदला ये जनता जो है ना देख रही है। आज के दिन ऐसा तो कोई मामला नहीं, एक एक चीज़ अखबार के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सब कुछ आदमी जो जनता देख रही है, जनता इसका बदला जरूर लेगी। जीवन की राहों में अगर करना चाहो उजियाला, जीवन की राहों में अगर करना चाहो उजियाला, अपना लो रे गुरुकुल का रास्ता निराला, गुरुकुल का रास्ता निराला, गुरुकुल तक्षशिला, गुरुकुल तक्षशिला, गुरुकुल तक्षशिला, गुरुकुल तक्षशिला। खुशहाली, संस्कारों से परिपूर्ण हो जिंदगी। करनाल हाईवे, अहमदपुर रसीना, कैथल हरियाणा।